असलियत ये है कि ये समाज भेड़ बकरी होता है। इस समाज का अपना कोई रवैया, अपना कोई दृष्टिकोण, अपनी कोई सोच नहीं होती है। इस समाज को तैयार किया जाता है। जब जब इस समाज को तैयार किया गया, तब तब इस समाज ने रिस्पॉन्ड किया, और जब जब इस समाज ने रिस्पॉन्ड किया है, तब तब जो है आंदोलन को सफलता मिली है। जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, सबसे पहले तो चंद्रशेखर रावण, उनको उनकी जीत के लिए, बहुत बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत आर्थिक मंगल कामनाएं, और इस जीत की मंगल कामनाएं मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भोजन समाज आज जिस दौर से गुजर रहा है, जिन समस्याओं से घिरा हुआ है, वह अपने उद्धारकर्ता ढूंढ रहा है। और जो भी भोजन मिशन मूवमेंट की बात करता है, महापुरुषों की बात करता है, महापुरुषों की विचारधारा की बात करता है, तो भोजन समाज जो है उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखता है कि शायद ये मेरी सहायता करेगा, शायद ये हमारी समस्याओं को हल करेगा। इसीलिए चंद्रशेखर रावण, अब आपके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब तक आपको राजनीतिक सफलताएं नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इस सफलता ने भोजन समाज के लिए एक नया आयाम पैदा कर दिया है। यहाँ से अब आपके ऊपर इस समाज को नेतृत्व प्रदान करने के लिए, जो कि आप लगातार दावा करते हैं कि आप भोजन समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो उसका नेतृत्व करने की जो गंभीर जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर आ पड़ी है। और आपको बहुत गंभीरता से, बारीकी से ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि बहुजन समाज क्या है, बहुजन समाज का मिशन मूवमेंट क्या है। और मैं पूरी उम्मीद व आशा करता हूँ कि आप जो है, आपने जो अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है, अभी तक मैं आपके ऊपर किसी भी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा था, लेकिन अब निश्चित तौर पर आपकी इस जीत ने यह निश्चित कर दिया है कि अब आपके ऊपर बहुजन समाज के जो जिम्मेदारी है वो आ गई है। संविधान के अंदर जितने भी मौलिक अधिकार इस देश के नागरिकों के लिए, जिनका महत्व बहुजन समाज के लोगों के लिए अधिक है, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार व शोषण अधिक होते हैं, उन्हें हर तरह की स्वतंत्रता से, समानता से वंचित रखा जाता है, तो संविधान के भीतर जो प्रावधान भोजन समाज के लिए किए गए हैं, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई है। अब आपको जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जिनकी रक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, अब उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ गई है। आपको अब जो है परिपक्व होना पड़ेगा। सड़कों का जो आंदोलन है वो अल्टीमेट है, आखिरी कदम है। सड़कों का आंदोलन करने के लिए जो आपको उत्साहित करते हैं, मूछों पर ताव देने के लिए जो आपको उत्साहित करते हैं, एक जाति के ऊपर गर्व करने के लिए जो आपको उत्साहित करते हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। संविधान ने हमें वो ताकत दी है कि हम केवल एक जाति की बात ना करें, किसी भी एक जाति पर गर्व करने का काम ना करें, बल्कि सभी जातियों को मिलाकर संगठित करने का काम करें, उनके भीतर जो जातिवाद की भावना है उसको समाप्त करने का काम करें। जिस प्रकार से जो मूछों पर ताव देकर, मूछों पर ताव देना कि उसके कई मायने हैं। पहला मायना यह है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं अपने अधिकारों की रक्षा में जो है तैनात हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है।
लेकिन मूछों की ताव का मतलब यह भी होता है कि हम किसी को ललकार रहे हैं। तो जब ये ललकार दी जाती है, ये ह्यूमन नेचर की बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी की ललकार को सहन नहीं करता। कोई चुनौती दे तो उसको सहन नहीं होती है, जवाब दे नहीं होता। और जब जवाब देने के लिए हम किसी को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। इन बातों को जो है गंभीरता से समझना चाहिए। अब आप एक स्पष्ट नेता के तौर पर स्थापित होने जा रहे हैं। यदि अब भी आपने इसी प्रकार की जो बातें हैं, कार्यवाहियां हैं, अगर वो जारी रखी, तो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज जो है गुमराह रहेगा। और बहुजन समाज जो है, जिसको हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह उन्हीं टुकड़ों में बटा रहेगा। हमें इस समाज को टुकड़ों में नहीं बांटना है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर इस समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी है। मैं जब भी वह वाक्या कहीं पर पढ़ता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, उन्हीं लोगों ने, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो बाबा साहेब को राजनीति सत्ता सौंपते, और बाबा साहेब को राजनीति सत्ता सौंपकर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करते, उन्हीं लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वोट नहीं दिया और उन्हें हरा दिया। जब जब मैं ये बातें सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। और मैं ये सोचता हूँ कि बाबा साहेब उस वक्त भी तिलमिलाए नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वो असलियत को जानते हैं। हमें असलियत को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। असलियत ये है कि ये समाज भेड़ बकरी होता है। इस समाज का अपना कोई रवैया, अपना कोई दृष्टिकोण, अपनी कोई सोच नहीं होती है। इस समाज को तैयार किया जाता है। जब जब इस समाज को तैयार किया गया, तब तब इस समाज ने रिस्पॉन्ड किया। और जब जब इस समाज ने रिस्पॉन्ड किया है, तब तब जो है आंदोलन को सफलता मिली है। माननीय साहब कांशीराम जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। तो आपके ऊपर अब सड़क पर आंदोलन करने की जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर मूछों को ताव देने की जिम्मेदारी नहीं है। आपके ऊपर कहीं घटना घट गई है तो उसी घटना को केवल न्याय दिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। आपके ऊपर इस समाज को तैयार करके, इसको संगठित करके, इस देश की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन करने की जिम्मेदारी है। इस सामाजिक व्यवस्था ने बहुजन समाज के ऊपर हजारों साल से शोषण अत्याचार किया है और अब भी हो रहा है। संविधान के लागू होने के बाद भी हो रहा है। संविधान के माध्यम से इस देश में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी हो रहा है। तो अब मैं आपको मंगल कामना और शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूँ कि अब आपको जो है, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको गंभीर होना पड़ेगा। आप अकेले जो है कोई फैसला लेते हैं, कोई भी आदमी अकेला फैसला लेता है तो सफलता के चांस कम रहते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप बनाएं, उसमें बैठें, उसमें डिस्कशन करें, प्लानिंग करें, नीतियों का निर्माण करें, स्थितियों का जायज़ा लें और स्थितियों और परिस्थितियों के मार्गदर्शन में अच्छी और कारगर नीतियों का निर्माण करके अब इस बहुजन समाज का आप नेतृत्व करें। आपके सामने राजनीतिक तौर पर और भी चुनौतियां होंगी। आपके सामने बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, और भी बहुजन नेता, बहुजन बुद्धिजीवी लोग, वे भी चुनौती के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगे ही।
लेकिन आपको अब जो है वो गंभीरता दिखानी होगी कि अब आप बहुजन समाज पार्टी के साथ में किस प्रकार से अकोमोडेट करते हैं, और बुद्धिजीवियों के साथ में, जो बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो एक एसेट है, समाज की संपत्ति है, तो उस समाज की संपत्ति को आपने समाज के लिए किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये भी अब आपकी दूरदर्शिता और आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको पुनः पुनः फिर से मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं कि आप बहुजन समाज का गंभीर होकर नेतृत्व करें। जब जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे, तब तब ये समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आलोचना करने का अधिकार फिर से मैं अपने पास रखता हूँ कि जब जब कोई गलत नीति, गलत बात होगी तो मैं आलोचना करने के लिए भी स्वतंत्र हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।